नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जब भी आप क्लेम लेने जाते हैं, चाहे वो कैशलेस क्लेम हो चाहे रीइंबर्समेंट, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ गलतियों की वजह से या कुछ चीज़ें हमें अगर नहीं पता हैं तो उनकी वजह से हमारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है या फिर वो रीइंबर्समेंट के लिए चला जाता है। तो क्या ऐसे कारण हैं, आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में उसी के बारे में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से जो आपका क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है या फिर होल्ड पे जा सकता है। मतलब अगर हो सकता है कि कैशलेस आपका रिजेक्ट हो जाए और आपको रीइंबर्समेंट के लिए बोल दिया जाए। तो सबसे पहले जो कारण है उसमें आता है पीडी डिक्लेरेशन का। दोस्तों, जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, आप नई पॉलिसी लेते हैं, तो हमेशा आपको कुछ बीमारियाँ अगर आपको पहले से हैं तो वो डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। अगर आप उनको डिक्लेयर नहीं करेंगे और बाद में आप क्लेम लेने जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपको शुगर है, डायबिटीज आपको पहले से है, आपने डिक्लेयर नहीं किया और बाद में फिर आप 6 महीने बाद आप चले गए, 6 महीने बाद या हो सकता है आप 2 साल बाद भी जाएं क्लेम लेने के लिए, तो फिर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो आपको चीज़ें आपको पहले डिक्लेयर करनी होती है, चाहे आपने 10 साल पहले कोई सर्जरी कराई है तो वो भी आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो जब भी आप पॉलिसी लें तो अपने जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं, जो आपको बीमारियाँ पहले से हैं या आपके फैमिली में जिसको आप कवर करना चाहते हैं पॉलिसी के अंदर, उनको कोई अगर बीमारी है तो वो आप कंपनी को जरूर बता दें, कंपनी को जरूर वो चीज़ नोट करा दें। उसके बाद आता है लेट इंटीमेशन। दोस्तों, जब भी आप एडमिट होते हैं तो एडमिट होने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर कंपनी को इंटीमेट करना होता है कि आप अपना क्लेम ले रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मान लीजिए आप एडमिट हो गए, 24-48 घंटे आपके निकल चुके हैं, उसके बाद आप 3rd या 4th दिन आप इंटीमेट करते हैं कंपनी को, तो वहाँ आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या फिर वहाँ आपका क्लेम कंपनी होल्ड कर सकती है और उसे रीइंबर्समेंट के लिए आपको डाल सकती है। तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी और फिर बाद में आपका रीइंबर्समेंट आपके अकाउंट में आएगा, जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा 15 दिन 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, जो भी कंपनी का टेट होता है उस हिसाब से। इसके बाद आता है नंबर 3 पर एजेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों को लग सकता है कि यार एजेंट का की वजह से कैसे रिजेक्ट होगा क्लेम। तो क्लेम रिजेक्ट होता है आप लोगों की वजह से, मतलब जो क्लाइंट हैं वो अपने एजेंट से बात ही नहीं करते जब भी आप क्लेम लेने जाते हैं। अगर आप अपने एजेंट से अगर बात कर लें एक बार या अपने एजेंट से अपनी चीज़ों को डिस्कस कर लें कि हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम केसेस में आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर आप डिस्कशन करेंगे तो आप और आपका एजेंट मिलके उस केस को आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को आप उनसे बचा सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स और लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। डॉक्यूमेंट्स से मेरा जो मतलब है वो है जब हम पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पर हम जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी को देते हैं, या फिर आजकल क्या होता है कि कंपनी बिना डॉक्यूमेंट लिए भी पॉलिसी बना देती हैं सिर्फ डिटेल्स के ऊपर, आपने जो बता दिया कंपनी ने उसके ऊपर बना दिया। जब आप क्लेम लेने जाते हैं तो फिर वहाँ पर कई चीज़ें, कई बार क्या होता है डिटेल मिसमैच कर जाती हैं, डेट ऑफ बर्थ कभी गलत हो जाती है या फिर नाम में पता लगा कि जो सरनेम है वो नहीं है, डॉक्यूमेंट में है लेकिन पॉलिसी में नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जब कई बार होती हैं तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो जब भी आप पॉलिसी करवाएं तो हमेशा वो डिटेल कंपनी को दें, अपने डॉक्यूमेंट से मैच करके दें ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। और लैक ऑफ डॉक्यूमेंट से जो मेरा मतलब है, जब हम रीइंबर्समेंट क्लेम डालते हैं या हम कैशलेस क्लेम डालते हैं तो उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं वो टाइमली करते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो फिर वहाँ पर दिक्कत आएगी और क्लेम लेने में आपको दिक्कत वहाँ पर हो सकती है। दोस्तों, जो अगला कारण है क्लेम रिजेक्ट होने का वो है ओपीडी या फिर इनपेशेंट केयर। दोस्तों, आपको एडमिट होना है या नहीं होना है ये डिसाइड करेगा डॉक्टर, ना कि आप। कई बार लोग क्या करते हैं, ओपीडी में जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि मुझे एडमिट कर लो आप, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर एडमिट कर लेंगे, डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्पिटल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगी आपको। जो केस ओपीडी में ट्रीटमेंट जिसका हो सकता है वो ओपीडी में ट्रीट कराइए, जिसका इनपेशेंट केयर में जिसको एडमिट होना है, जिसके लिए मैंडेटरी है, ओपीडी में ट्रीट नहीं कर सकते उसको आप इनपेशेंट केयर में एडमिट करिए। ऐसा नहीं है कि ओपीडी में आप गए, आपका बुखार था 100, आप एडमिट हो गए, लेकिन जब आपने क्लेम डाला तो उनकी नज़र में ये जो बुखार है 100 जो बुखार है वो ओपीडी में ट्रीट हो सकता है और आपने क्या करा, एडमिट हो गए, क्लेम डाला, आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो इस तरह के कुछ केसेस में लोग क्या करते हैं, ओपीडी में जाते हैं, इनपेशेंट केयर में एडमिट हो जाते हैं और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो अगली बार ध्यान रखें, जब भी आप जाएं तो ये चेक जरूर कर लें कि केस ओपीडी में ट्रीटमेंट होगा, अपने एजेंट से डिस्कस कर लें और अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस कर लें। उसके बाद आता है वेटिंग पीरियड।
दोस्तों, जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, आप नई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं। आज आपने पॉलिसी ली, एक महीने तक आप कुछ भी कवर नहीं है सिवाय एक्सीडेंट के, सिर्फ एक्सीडेंट कवर होगा, अदरवाइज और कुछ भी कवर नहीं होगा 30 दिन तक। उसके बाद कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं 90 दिन के, कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं 24 महीने के, 12 महीने के, 24 महीने के, और कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं आपके 48 महीने के। तो जब भी आप क्लेम लेने जाएँ तो ये ज़रूर चेक कर लें कि क्या जिस इलनेस के लिए आप जा रहे हैं तो क्या कोई वेटिंग पीरियड तो नहीं है उस इलनेस में। अपने एजेंट से ज़रूर बात कर लें इस बारे में, अदरवाइज़ पता लगे कि आप गए और जो वेटिंग पीरियड था उस बीमारी के लिए 24 महीने का था या 12 महीने का था या फिर 48 महीने का था, और आप गए, आपने ट्रीटमेंट कराया लेकिन आपको क्लेम वहाँ नहीं मिला। दोस्तों, अगला जो कारण है वो है एक्सक्लूजन्स का। दोस्तों, जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, जब भी आप नई पॉलिसी परचेज करते हैं या आप पोर्टेबिलिटी भी करा रहे हैं, तो कुछ बीमारियाँ आपकी उसमें एक्सक्लूड होती हैं, कुछ परमानेंट भी हो सकती हैं, कुछ आपको कुछ टाइम के लिए भी हो सकती हैं। तो जब भी आप क्लेम लेने जाएं तो वो जरूर चेक कर लें कि आपकी पॉलिसी में कौन कौन से एक्सक्लूजन हैं जिन पे आपको क्लेम नहीं मिलेगा, या फिर कुछ टाइम के लिए जो एक्सक्लूजन लगा रखे हैं कंपनी ने वो कौन कौन से हैं। जैसे जो वेटिंग पीरियड में आते हैं, जैसे कि मान लीजिए 12-24 महीने के लिए, 12 महीने या 24 महीने के लिए कुछ एक्सक्लूजन है तो वो आप चेक कर लें, या फिर जैसे डेंटल केयर कंपनी कवर नहीं करती तो वो एक बार जरूर चेक कर लें। डेंटल केयर आपकी किसी पॉलिसी में कवर, मैक्सिमम कंपनियां नहीं करती कवर, आप अगर उससे रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो फिर आपको कंपनी वहाँ कवर नहीं करेगी और आपका क्लेम वहाँ पर रिजेक्ट कर देगी। दोस्तों, अगला जो कारण है वो है इन्वेस्टिगेशन एंड इवेल्यूएशन। दोस्तों, आपको कोई इलनेस है, आपको लगता है कि भाई आपको दिक्कत है, आप जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, अब आप चाहते हैं कि ट्रीटमेंट पता नहीं लगा कि प्रॉब्लम क्या है आपको, और आप उससे पहले एडमिट हो जाएं और जो भी इवेल्यूएशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी मेडिकल टेस्ट, जो भी कुछ होना है वो एडमिट करने के बाद हो, तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार एडमिट करके भी किया जाता है, कई बार बिना एडमिट करे भी होना पड़ता है। मान लीजिए कोई आपका फीवर है, अब फीवर 102 हो रखा है तो भैया उसके लिए एडमिट करना पड़ेगा। अब फीवर क्या है, डेंगू का है, मलेरिया का है या नॉर्मल फीवर है, फिर कोई इन्फेक्शन आपको हुआ है, तो ये चीज़ें तो फिर आपको एडमिट करने के बाद ही पता लगेंगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको एडमिट नहीं होना पड़ता, कुछ चीज़ें आपके डॉक्टर आपको लिख के देंगे और आप उसके लिए मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं या अल्ट्रासाउंड बाहर से करा सकते हैं या आप हॉस्पिटल से भी करा सकते हैं, लेकिन आपको एडमिट नहीं होना। अगर इवेल्यूशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आप एडमिट होंगे तो फिर आपको वहाँ प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए आप एडमिट तो हो गए, आप 24 घंटे एडमिट रहे, डॉक्टर ने वेट एंड वॉच भी किया, लेकिन आपको कोई बीमारी ऐसी निकली ही नहीं जिसके लिए आपको एडमिट होना था, तो फिर आपको वहाँ प्रॉब्लम आएगी, आपका क्लेम वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप एडमिट हो, अब जब भी आप हॉस्पिटल जा रहे हैं या डॉक्टर से आप जब भी कंसल्ट कर रहे हैं, तो इवेल्यूशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले डिस्कस कर लें, और जो भी आपको ये चीज़ें करानी है, अगर हॉस्पिटल से करानी है तो भी बिना एडमिट हुए कराएं, अगर बाहर से डॉक्टर बोलते हैं तो बाहर से आप कराना चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन आपको एडमिट उन चीज़ों के लिए नहीं होना है, कंपनी आपका क्लेम वहाँ पर रिजेक्ट कर देगी। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की, कि पोर्टेबिलिटी की वजह से क्या दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, जब भी आप पॉलिसी पोर्ट करा रहे हैं लेकिन आपको पहले से कोई बीमारियाँ हैं, तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करी आगे कंपनी को, अगर आपने छुपाने की कोशिश करी, तो वहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। और प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ नहीं आएगी, जब तक आप उस अगली कंपनी में बने रहेंगे तब तक आपको कंपनी उस चीज़ का क्लेम आपको पे नहीं करेगी। तो जब भी आप पोर्टेबिलिटी करा रहे हैं सिर्फ एजेंट के कहने पर, कि भाई एजेंट कह रहा है इसलिए करा लो, एजेंट को फ़ायदा इसलिए करा लो, या फिर आपका प्रीमियम महंगा आ रहा है उसकी वजह से आप पोर्ट करना चाहते हैं सस्ते की वजह से, तो ये काम ना करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो कोशिश करें पोर्टेबिलिटी ना करें, और अगर आप पोर्ट करते हैं तो कंपनी को सारी चीज़ें बताएं। अगर कंपनी प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है उसके बाद ही आप पॉलिसी को लें, अगर एक्सेप्ट नहीं करती है तो वही पॉलिसी अपनी, जो आपकी पुरानी पॉलिसी चल रही है उसको आप रिन्यू कर लें। अब दोस्तों, बात करते हैं एल्कोलोजिम एंड ड्रग्स के बारे में। अगर आप ड्रग्स लेते हैं या फिर एल्कोहल लेते हैं आप, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई दिक्कत आती है और आप एडमिट होते हैं, तो कंपनी वहाँ आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी, 100% आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद आप कोई क्लेम डालते हैं, तो वहाँ पर भी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। तो कोशिश करें, वैसे तो ये चीज़ें लेनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर लेते भी हैं, अल्कोहल लेते भी हैं, तो ड्राइविंग अवॉइड करें, उस हिसाब से, उस लेवल, उस तरीके से लें ताकि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की। दोस्तों, अगर आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, आप कार रेसिंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, आप डीप सी डाइविंग करते हैं, तो दोस्तों उनकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आएगी ना, और फिर आप एडमिट हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। अगर आप रेसिंग करते हुए कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको एडमिट करा गया, और फिर उस कंडीशन में आपने क्लेम डाला, तो कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी, वो सब कुछ आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, वहाँ पर कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। बात करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी ब्रीच ऑफ लॉ। मान लीजिए आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए जाते हैं, या किसी आप नियम का, किसी भी कानून का आप उल्लंघन करते हैं, और उसकी वजह से आपको मान लीजिए एडमिट होना पड़ता है, आप रेसिंग कर रहे हैं, तेज स्पीड में रेसिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से आप एडमिट होते हैं,
या फिर कोई झगड़ा आपने कर लिया आपस में, किसी ने आपका सर फोड़ दिया, कोई आपका पुराना झगड़ा चला आ रहा है, कोई आपका प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, आपस में झगड़ा हो गया, आपने सर फोड़ दिया या उसका उसने आपका सर फोड़ दिया, तो उस कंडीशन में अगर आप एडमिट होते हैं तो कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में हैं तो ये चीज़ ना करें, कंपनी आपको क्लेम वहाँ पर पे नहीं करेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चाइल्ड बर्थ रिलेटेड। दोस्तों अगर आपकी पॉलिसी में मैटरनिटी कवर नहीं है तो कंपनी आपके जो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड के प्रॉब्लम अगर आपको होती है, कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको होती हैं, तो उनको कवर नहीं करेगी। और ज़रूरी नहीं है कि मैटरनिटी कवर है आपकी पॉलिसी में तब भी कवर करेगी, तो ये ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादातर कंपनियों में कवर नहीं होती हैं, तो अगर इससे रिलेटेड आप कोई क्लेम डालते हैं तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। रॉन्ग डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। दोस्तों कई बार लोग ना चीज़ों को गलत कंपनी को बताते हैं कुछ थोड़ा सा फ़ायदा लेने के लिए। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने एज अपनी गलत बता दी, जो इंश्योर्ड है उनकी एज गलत डाल दी, मान लीजिए 60 साल की एज थी, डॉक्यूमेंट में एज चेंज करा के 52 साल एज कर दी और पॉलिसी ले ली, क्योंकि 60 साल पे मेडिकल चेकअप्स भी होंगे और हो सकता है कि पॉलिसी का प्रीमियम भी काफ़ी महंगा है, तो वो उन्होंने कर लिया। नेचर ऑफ बिजनेस में दिखा दिया प्रॉपर्टी डीलर, लेकिन एक्चुअल में आप ऐसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पर जो केमिकल फैक्ट्री है, तो फिर इस तरह की जो चीज़ें आप छुपाओगे, आपकी इनकम कितनी है, थी 3 लाख आपने बता दी 6 लाख, या 10 लाख थी आपने बता दी सिर्फ 5 लाख, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप कंपनी को बताते हो और ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं आगे, तो इस केस में भी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी, कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी। लैप्स इन पॉलिसी या फिर ग्रेस पीरियड। दोस्तों जब भी आपकी पॉलिसी ख़त्म होती है तो आपके पास 1 महीने का ग्रेस पीरियड होता है, आप उस 30 दिन के अंदर अपनी पॉलिसी को रिन्यू करते हैं और जो भी आपके बेनिफिट होते हैं वो सारे कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ग्रेस पीरियड चल रहा तो आपकी बीमारी भी इसमें कवर्ड है, आपकी पॉलिसी ख़त्म हो गई है, आपको बुखार हुआ, आपको मान लीजिए डेंगू हुआ और आप एडमिट हो गए, वहाँ जाके पता लगा कि आपकी पॉलिसी नहीं चल रही है, एडमिट हो गए, आपने केस डाल दिया, उसके बाद आपने पॉलिसी को रिन्यू कर दिया। तो दोस्तों जब भी आप ऐसा करते हैं, चाहे आप सेम डे ही क्यों ना कर रहे हो ये चीज़, आपका कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि जो आपने एडमिशन लिया है हॉस्पिटल में वो आपका पहले है और आपकी पॉलिसी बाद में रिन्यू हुई है। कंपनी आपको टाइम देती है 30 दिन का, इसका मतलब ये नहीं कि आप एडमिट होने के बाद उस पॉलिसी को रिन्यू करो, आप पहले उस पॉलिसी को रिन्यू करिए, उसके बाद ही आप एडमिट होइए, तभी आप कंपनी आपके क्लेम को कवर करेगी, अदरवाइज कंपनी आपके क्लेम को वहाँ पर रिजेक्ट कर देगी। तो दोस्तों ये है वो सारे कारण जिनकी वजह से आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है, और कुछ कारण तो ऐसे हैं जिनकी वजह से 100% आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप पॉलिसी लें, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिसी ले ली और कंपनी आपको 100% कवर करेगी, कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, उसका पूरा अधिकार है। अगर आप चीज़ें गलत करते हैं, चीज़ें छुपाते हैं, या फिर किसी गलत एक्टिविटी में पाए जाते हैं, तो फिर कंपनी आपका क्लेम वहाँ रिजेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में उसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।